दोस्तों यही है मेरी बायर की 2552 वैरायटी की सरसों जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। और आज हम लोग इसको ले जा रहे हैं सरसों को पेराने के लिए, पिसवाने के लिए। और गेहूं की फसल पे जो है निर्भरता ज़्यादा बढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी है। लेकिन किसान भाइयों, आज के वर्तमान समय में यदि बात की जाए तो 46 रुपये केजी से 52 रुपये केजी तक सरसों जो है बिक रही है। तो दलहन की फसलों में बहुत ही फायदा है किसान भाइयों, दलहन की खेती किया जाए कि किस तरह से हमारे घरों में बनने वाली सब्जी और अन्य प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों में यूज होने वाली सरसों का तेल जो है किस प्रकार से पेरा जाता है, किस प्रकार से मार्केट में आता है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो चीज़। हालांकि थोड़ा सा आवाज़ वहाँ पर ज़्यादा होता है मिल में, तो आप लोग इससे घबराइएगा नहीं किसान भाइयों आप लोग, लेकिन देखिएगा जरूर, उसको स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा आवाज़ होगा, इसको स्किप मत करिएगा, देखिएगा जरूर किसान भाइयों, क्योंकि आप लोगों को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस प्रकार से सरसों जो है पेरा जाता है और हमारे जो किसान हैं किस प्रकार से मेहनत से वो इतनी कड़ी धूप में, इतनी कड़े जाड़े में, ठंड में जो है किस प्रकार से सरसों की खेती करके आप लोगों के लिए सरसों उत्पादन कराते हैं। तो बने रहिए। जो है मेरी सरसों जो है पेराने जा रही है किसान भाई, देखिए डाला जा चुका है। तो वहाँ से जो डाला जा रहा है सरसों वो यहाँ पे खली बन के निकल रहा है और इस खली को 3 से 4 बार फिर उसमें डालकर पेरा जा रहा है ताकि जो है सरसों का तेल जो है पूरी अच्छी तरीके से निकल जाए। तो साथियों, जब ये सरसों निकलता है तो हम लोग इसको दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये सरसों गिर रहा है तेल मेरा, और यहाँ खली था उसको फिर से उसमें डाला जा रहा है साथियों। तो कम से कम 3 से 4 या 5 बार भी जो है इसको उसमें डाल के पेरा जा रहा है किसान भाई। तो दोस्तों मेरी सरसों पेरी जा चुकी है और देखिए लगभग इतना निकला है तेल। अब देखते हैं इसको वजन करके, देखिए सरसों का तेल भरा जा रहा है मेरा। भरा जा चुका है, वजन हम लोग करते हैं। देखिए ये वजन हो रहा है 12 किलो 800। दोस्तों वजन में अंतर आ गया है, देखिए क्या करते हैं ये। माना जाता है कि 3 केजी में सरसों में यदि 1 केजी सरसों का तेल निकल रहा है तो वो सरसों सबसे शुद्ध, सबसे अच्छी सरसों मानी जाती है किसान भाइयों।